शादी को इनकाउंटर में ढेर किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के उपाध्यक्ष, अरे जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी की है, हर पल पे जो है व्यवस्था देखिए, इससे भी हमें संतुष्टि है। कहना ये भी होगा कि जिस तरह से अपराधियों ने लूट की थी उसमें से जिस तरह माल आपको अभी तक रिकवरी दिखाई गई है उसमें कुछ शेष कभी बाकी रह गई? अभी थोड़ा मोड़ा बाकी है तो क्या उसके भी मिलने की उम्मीद है आपको? हाँ, पूरा जिस तरीके से पुलिस के शासन की कार्रवाई हो रही है उससे हमें लगता है कि हमारा माल सब मिल जाएगा और इसी उम्मीद इच्छा में हम हैं। तो आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, प्रदेश को? अब चैनल के माध्यम से तो भाई जिस तरीके से प्रदेश शासन चल रहा है, देश का शासन चल रहा है, उससे आम जनता को बहुत राहत है। अब उसको कहीं ना कहीं विरोधी लोग उसको गलत तरीके से समाज के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं, वो भी अपना उनका अलग विचार है, उसके लिए हम क्या बता सकते। योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे? योगी सरकार के लिए जिस तरीके से कार्रवाई उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। आप भरत सोनी के वकील हैं, अभी तक कितना माल रिलीज हो चुका है? अभी तक भरत सोनी के मामले में करीब सोना 2 किलो 633 ग्राम व चांदी 15 किलो रिलीज की जा चुकी है। कितना माल बचा है? अभी चांदी लगभग 58 किलोग्राम, अभी चांदी बरामद नहीं की गई है और सोना लगभग प्राप्त हो चुका है। आज उन्नाव में हमें एक इनकाउंटर हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि एक इनकाउंटर भरत सोनी के मामले में अभियुक्त का किया गया है और उनके पास से क्या बरामदगी की गई है अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, जैसा भी होगा आपको आगे बताएंगे। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है और सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं। उपरोक्त मुकदमे में ड्यूलिंग इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 311 and 317 subclause 3 and 4 की बढ़ोतरी की गई है, विवेचना भी प्रचलित है, आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा।